H5P और .org को कैसे प्रयोग करें इसमें जानेंगे। H5P क्या है ये भी हम इसमें जानेंगे। H5P एक फ्री ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। यह है HTTPS5 पैकेज की शॉर्ट फॉर्म है। H5P में इंटरेक्टिव एप्लीकेशन बनाई जाती हैं, यानी कि ऐसी एप्लीकेशन जो हमारे कंप्यूटर में, टैबलेट में या फ़ोन में आसानी से रन हो सकें। H5P में बनाने वाला क्रिएटर गेम, वीडियो, प्रेजेंटेशन, ऐसे इंटरेक्टिव प्रोग्राम बना लेता है, उन्हें एडिट भी कर लेता है, फिर इन फ्यूचर एडिट भी। H5P.org को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, H5P.org को हमें गूगल में टाइप करना होगा, और जैसे ही हम गूगल में टाइप कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी साइट खुल के आती है, खुलने के बाद, प्रोसेसिंग के बाद कुछ ऐसी साइट खुल के आती है, और इसमें साइड में, राइट साइड में जो तीन लाइनें हैं, इसे ही जैसे हम टिक करते हैं, ये तीन लाइनों को जैसे ही हम टिक करते हैं तो कुछ ऐसे के हमारे पास आ जाता है। इसमें नीचे क्रिएट फ्री अकाउंट, इसमें क्रिएट फ्री अकाउंट, अकाउंट बनाते हैं हम, और अकाउंट बनाने के लिए जैसे ही हम टिक करते हैं तो कुछ ऐसे खुल के हमारे पास आ जाता है, और नीचे स्क्रॉल करके हम यूज़र नेम डालते हैं, फिर ईमेल आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, और लास्ट में पासवर्ड कंफर्म करते हैं। लास्ट में डिस्क्रिप्शन में एज अ टीचर कुछ भी डाल सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन आता है, उसका आंसर करने के बाद हम इसमें क्रिएट न्यू अकाउंट क्लिक कर देते हैं और H5P.org में हमारा अकाउंट बनके तैयार हो जाता है। इसमें हम पासवर्ड सेव कर लेते हैं। अब इसमें हम कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। हमारा अकाउंट बन गया है सिड नाम से। इसमें व्यू, एडिट, कंटेंट और ये सारा रहता है कमेंट। तो हम नीचे जाके, जैसे ही हम नीचे जा रहे होते हैं, इसे स्क्रॉल करके फ़ोटो भी लगा सकते हैं। इसमें ट्राई आउट H5P है, इसको जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ ऐसे खुल के हमारे पास आ जाता है। तो इसमें इंटरेक्टिव वीडियो, कोर्स, प्रेजेंटेशन, ये सारा कुछ रहता है। और नीचे जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं तो ये ब्रांचिंग सिनेरियो, फिर उसके बाद आ जाता है अकॉर्डियन, एगर मोटो, ये इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। अर्थमेटिक क्यूज, ऑडियो रिकॉर्डर, ये भी इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। चार्ट, कोलाज, ये सारे इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। कॉलम, डायलॉग कार्ड्स, डिक्टेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग द वर्ड, एसे राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल मल्टीपल हॉटस्पॉट, फाइंड द मल्टीपल हॉटस्पॉट, फाइंड द हॉटस्पॉट, फाइंड द वर्ड, ये सारे हमें इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। इमेज हॉटस्पॉट, इमेज पेयरिंग, और इसके बाद इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन, मेमोरी गेम, मल्टीपल चॉइस, पर्सनैलिटी क्वेश्चंस, ये सारे इसके अंदर इंटरेक्टिव प्रोग्राम है जिनकी लिस्ट हमें यहाँ दी हुई है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट। प्लीज़ प्रेस द वेल आइकन।